पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऑयल को एक काफ़ी अजीब रिसोर्स की तरह देखते हैं। इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि जब देश की इनकम बढ़ती है तो उस देश में डेमोक्रेसी भी बढ़ती है, मगर इसमें एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। अगर ये वेल्थ ऑयल से, तेल से आ रही है तो उन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी कम होती है। इसे रिसोर्स कर्स भी बोलते हैं। ये लिस्ट है मेजर कंट्रीज़ की जिनकी ऑयल पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है। कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, लिबिया, वेनेजुएला, नाइजीरिया, ऐसी कंट्रीज़ जहाँ डेमोक्रेसी कम है, अथॉरिटेरियन डिक्टेटर्स हैं। मगर इसी लिस्ट में एक कंट्री है नॉर्वे, जहाँ 41% एक्सपोर्ट्स और 14% GDP क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर डिपेंडेंट है। मगर डेमोक्रेसी इंडेक्स पे नंबर वन, हैप्पीनेस इंडेक्स पे नंबर वन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे नंबर वन, और ये लिस्ट ऐसे ही चलती जाएगी। तो नॉर्वे ने ऐसा क्या सही किया कि एक फिशिंग और टिम्बर पर डिपेंडेंट इकोनॉमी 40 सालों में एक अमीर प्रोग्रेसिव वेलफेयर सोसाइटी के रूप में आज जानी जाती है। इन द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ यूरोप, एज फार नॉर्थ एज अलास्का, आर द कंट्रीज ऑफ स्कैंडिनेविया। The people of Norway have learned to make the most of the limited resources of their beautiful, but not particularly bountiful land. Second World War के बाद नॉर्वे की रूलिंग पार्टी लेबर पार्टी ने एक सोशल डेमोक्रेटिक इकोनॉमी को चुना, इसीलिए वहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी के काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मतलब वहाँ की गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज जैसे बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, टेली कम्युनिकेशन, इन सब सेक्टर्स में कंट्रोल है। इसे स्टेट कैपिटलिज्म भी बोलते हैं। बाकी ऑयल रिलायंट कंट्रीज से कंपेयर करें तो नॉर्वे ने ऑयल काफ़ी लेट डिस्कवर किया, मगर वो एक्चुअली लकी थी कि लेट किया। 1960s तक नॉर्वे एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी थी। सोशल साइंटिस्ट नॉर्वे को एक सिविल सर्वेंट स्टेट बोलते हैं। वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ के सिविल सर्वेंट्स इंडिपेंडेंट, रिलेटिवली अनकरप्ट और हाईली स्पेशलाइज्ड हैं, और ये उनके डिसीजन मेकिंग में साफ दिखता भी है। इसीलिए 1969 में नॉर्वे ने जब ऑयल डिस्कवर किया तो नॉर्वे के डिसीजन मेकर्स का मानना था कि रिसोर्स देश के रिसोर्स हैं और इसकी वजह से जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए वो लोगों का होना चाहिए, नॉर्वे की फ्यूचर जनरेशन का होना चाहिए। मगर इस एम्बिशन में काफ़ी डिफिकल्टीज भी थी। पहली कि ऑयल से जो रेवेन्यू आता है वो टेम्प्ररी है, क्योंकि कभी ना कभी ये रिसोर्स ख़त्म होगा, नॉन रिन्यूएबल है। दूसरा, ऑयल के प्राइस बहुत वॉलेटाइल होते हैं। मतलब अगर आज एक बैरल $100 का है तो हो सकता है कल $30 का। इसके अलावा ऑयल इंडस्ट्री अपने आप में काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। मतलब ऑयल निकालने में काफ़ी ज़्यादा पैसे और बड़ी मशीनें, विदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए नॉर्वे की गवर्नमेंट ने 10 कमांडमेंट्स बनाए, एक तरह से गाइडलाइंस कि इस ऑयल को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे इन्वायरमेंट पर क्या नुकसान हो रहा है वो ध्यान रखा जाएगा, दूसरी इंडस्ट्रीज, दूसरे सेक्टर्स को इस ऑयल से कोई नुकसान नहीं हो ये ध्यान रखा जाएगा। होता क्या है, जब नेचुरल रिसोर्स जैसे ऑयल, गैस किसी कंट्री में मिलता है तो उस सेक्टर में एकदम से ग्रोथ होती है। फॉरेन करेंसी कंट्री में आती है तो जो लोकल करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ती है, डॉलर के मुकाबले एक्सचेंज रेट बढ़ती है। जो सामान आपके देश में बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो एक्सचेंज रेट बढ़ने की वजह से दूसरी कंट्रीज़ के लिए महंगा हो जाता है। अब आप इसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते और इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान होता है। नॉर्वे के पड़ोसी देश नेदरलैंड्स में यही हो रहा था, इसीलिए इसे डच डिजीज़ कहते हैं। एक सेक्टर में इंक्रीज की वजह से बाकी सेक्टर्स जब नुकसान में जाते हैं। ऑयल डिस्कवर करने के बाद नॉर्वे ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लिया और सोशल सर्विसेज, पेंशंस, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सब्सिडीज और लोगों को रोजगार देने में खर्चा किया। मतलब जनता की सेवा में खर्चा किया। इनिशियली प्लान था कि नॉर्वे ये पैसा ऑयल से जो रेवेन्यू आएगा उससे वापस चुका देगी, मगर अनसरप्राइजिंगली डच डिजीज यहाँ भी आया। इतनी पब्लिक स्पेंडिंग और ऑयल पर निर्भर होने की वजह से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को नुकसान होने लगा और नॉर्वे के एक्सपोर्ट्स गिरने लगे। मगर यहाँ पे नॉर्वे ने कुछ उल्टा किया। डच डिजीज़ को ध्यान में रखते हुए नॉर्वे ने ऑयल प्रोडक्शन कम कर दिया ताकि लार्ज स्केल पे इकोनॉमी को नुकसान ना हो, बाकी सेक्टर्स को दिक्कत ना आए। नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने तब कहा था, ये सो कॉल्ड प्रोफेसर्स और एक्सपर्ट्स हमें बोल रहे हैं ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें सेंसिबल और केयरफुल रहना है। इवेंचुअली ऑयल के प्राइसेस गिर गए और नॉर्वे की इकोनॉमी रिसेशन में चली गई। इसी बीच 50 साल बाद नॉर्वे की रूलिंग पार्टी लेबर पार्टी इलेक्शंस हार गई। ये सब हो रहा था मगर एक चीज़ सब अग्री कर रहे थे कि इकोनॉमी में ऑयल की डिपेंडेंसी कम करनी है, कुछ तो बदलना है। ऑब्वियस सॉल्यूशन था, इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करो, दूसरे सेक्टर्स को बढ़ावा दो। यहाँ पे नॉर्वे का सबसे इंपॉर्टेंट टूल उनका पेट्रोल फंड आता है। ऑयल के बढ़ते और गिरते प्राइस से इकोनॉमी को बचाने के लिए नॉर्वे ने एक फंड बनाया। आइडिया ये था कि ऑयल से जो पैसा आ रहा है उसे डायरेक्ट नॉर्वे की इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वरना उससे फिर उनकी करेंसी स्ट्रांग होती है और बाकी सेक्टर्स को नुकसान होता, बल्कि गवर्नमेंट इस पैसे को एक फंड में इकट्ठा करेगी और इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करेगी
ताकि लोकल गवर्नमेंट्स की डिपेंडेंसी ऑयल पे ना बढ़े और ये पैसा फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव हो। इनफैक्ट ये ध्यान में रखा जाए कि इस फंड का सही इस्तेमाल हो, करप्ट पॉलिटिशियंस गलत तरीके से ना यूज़ करें, तो एक फिस्कल रूल है कि इस फंड में से गवर्नमेंट उतना ही पैसा निकाल सकती है जितना रिटर्न वो उस साल एक्सपेक्ट कर रही है। नॉर्वे ने ये फंड 1990s में चालू किया था। आज इस फंड की वैल्यू 1.3 trillion US dollars है, नॉर्वे की GDP से 4 गुना ज़्यादा। अगर ये सारा पैसा नॉर्वे के लोगों में बराबर बांट दिया जाए तो सबको लगभग 2 lakh US dollars में यानी 1.5 crore rupees मिलेंगे। इनफैक्ट इस फंड से जो पैसा आता है वो इनके ऑयल से जो पैसा आ रहा है उससे भी कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। बेसिकली नॉर्वे के पास खूब सारा पैसा आया तो उन्होंने उसे खर्च करने की जगह बचाया और उसके ब्याज से आज अपना और अपने फ्यूचर जनरेशन का लाइफ सिक्योर कर ली। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि अपनी वेल्थ को सही तरीके से इस्तेमाल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड एक बुक जो आप कंसिडर कर सकते हैं वो है रिच डैड पुअर डैड, जो समराइज्ड फॉर्म में कुकू FM पे अवेलेबल है, जिन्होंने ये वीडियो बनाने में मुझे सपोर्ट किया है। इसमें टॉपिक्स जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल फ्रीडम, इन्वेस्टिंग के जरिए अपने एसेट्स को कैसे ग्रो करना है जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया है। इसके अलावा कुकू FM पे आपको और भी दूसरी ऑडियो बुक्स मिल सकती हैं, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में। मैं ऑडियो बुक्स एनिमेशंस बनाते टाइम सुनता हूँ, मंडेन टास्क जैसे खाना बनाते टाइम मैं ऑडियो बुक सुनता हूँ, जिससे मेरा बहुत टाइम बचता है, एंटरटेनमेंट भी होता है और मुझे नए वीडियो आइडियाज़ भी मिलते रहते हैं। कुकू FM पे हज़ारों ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं जिसका प्राइस सिर्फ 399 है एक साल का, और फर्स्ट 250 लोग जो मेरा कोड BW50 यूज़ करेंगे उन्हें 50% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 200 रुपये में एक साल तक ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी डील है। कुकू FM को एक बार ज़रूर ट्राई करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। अब नॉर्वे के पेट्रोल फंड पे वापस आते हैं। आप सारा इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे देख सकते हो। इनफैक्ट एप्पल कंप्यूटर्स के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में से एक नॉर्वे भी हैं। नॉर्वे की सोसाइटी और उनकी थिंकिंग भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करता जिन्हें अनएथिकल समझते, जैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन कोई कंपनी कर रही है या तंबाकू से जुड़ी कोई कंपनी है, जैसे इंडिया की ITC एक्चुअली ब्लैकलिस्टेड है। ये फंड ऑयल और पेट्रोल इंडस्ट्री में भी वापस इन्वेस्ट नहीं करता, और इनफैक्ट पिछले साल से इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। नॉर्वे अपने आप को एक ग्रीन कंट्री, एनवायरनमेंट की रक्षा करने वाली कंट्री की तरह दिखाती है, मगर उनकी पूरी इकोनॉमी इस फॉसिल फ्यूल पे ग्रो की है और डिपेंडेंट है। अब इसको दो तरीके हैं देखने के। नॉर्वे अपनी इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से नहीं बल्कि हाइड्रो पावर से जनरेट करती है, जो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स यहाँ पे बिकती है। कार्बन टैक्स लगाने वाली पहली कंट्री नॉर्वे है। ग्रीन फंड में सबसे बड़ा डोनेशन देने वाली कंट्री नॉर्वे है, और ये लिस्ट भी ऐसे ही चलती जाएगी। मगर ये सबके बाद नॉर्वे एक ऑयल रिलायंट कंट्री ही है। पिछले साल उन्होंने आर्कटिक में ऑयल एक्सप्लोरेशन के परमिट्स इशू किए, जिसकी वजह से उनकी सरकार को काफ़ी बैकस्लैश मिला। इस साल वहाँ इलेक्शंस थे, जिसमें जीतने के बाद नए प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि ऑयल और गैस इंडस्ट्री को बंद नहीं करेंगे, मगर उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे, जिसका उन पर काफ़ी प्रेशर है। नॉर्वे बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले इतनी डेवलप्ड है, वो अब ऑयल और गैस से मूव ऑन कर सकती है, और उनके वेल्थ फंड की वजह से जिन वर्कर्स को नुकसान होगा उसकी भरपाई भी कर सकती है। अब वो इस ऑयल को छोड़ के आगे बढ़ती है नहीं, वो उनकी गवर्नमेंट और उनके सिटीजन पे डिपेंड करता है।